सब्सक्राइब करें किचन क्वीन जीनत खान चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लौकी की कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, हम लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं। वैसे सबका तरीका अलग होता ही है, थोड़ा बहुत तो सबका तरीका अलग होता है, तो मैं आज अपने तरीके से लौकी की कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फिर, और इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए हमें वो भी देख लेते हैं साथ में ही। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैंने यहाँ पे ली थी एक लौकी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके पील करके और इस तरह से ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं किस लिया है, यानी वो हम लोग किसना भी बोलते हैं इसको, किस लिया है, ग्रेट कर लिया है। और इसका जो भी मॉइस्चर था, पानी था, सारा हाथों से इस तरह से निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ बेसन लिया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम बेसन डाल देंगे। तो अभी मैंने इसमें 4 चम्मच बेसन डाल दिया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, और हल्का सा नमक। अभी नमक इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम सब्ज़ी में भी डालेंगे ग्रेवी में। और मैंने इसमें पिंच ऑफ हींग डाल दिए, हींग ज़रूर डालिएगा आप लोग, हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया है यहाँ पे, और ये है भुने हुए जीरे का पाउडर। और इन सभी को मिक्स कर देंगे हम, मिक्स करके देखते हैं ये अच्छे से मिक्स हो पा रहा है या नहीं। अगर बेसन कम लगे तो आप डाल सकते हैं, मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने जो भी बाउल में बेसन लिया था वो सारा इसमें ऐड कर दिया है। तो सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद इस तरह से हम बना सके, हम इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले से गर्म होने रख दिया था, तो ये सरसों का तेल है, तो ऑयल गर्म हो गया है काफ़ी अच्छे से। तो उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते इस तरह से पकौड़ी से हम सेकते हैं ना, वैसे ही हम इसको डाल देंगे पकौड़ी की तरह ही। तो इस तरह से मैंने डाल दिए हैं, और इनको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से पलट कर, यानी कि चारों साइड से ये अच्छे से फ्राई हो जाए हमारी पकौड़ियाँ, कोफ्ते, जो भी बोलो। और इनको पलट देंगे हम। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी से कैसी लगी, और रेसिपी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो देख लीजिए यहाँ पे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। लो फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे, हाई करने से क्या होगा कि जल जाएंगे, तो लो पर ही फ्राई करेंगे, सभी को पता होता है, लेकिन हमारा काम है बताना, तो बताना सही रहता है। जैसे कुछ लोग नए होते हैं, नए लोग बनाते हैं, जैसे सीख रहे होते हैं, तो सही रहता है बताना। तो निकाल देते हैं हम इन कोफ्ते को। तो और मैंने बाकी के बचे हुए भी फ्राई कर लिए थे, उसके बाद सारे फ्राई हो चुके हैं यहाँ पे। और चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर सभी चीज़ों को साथ में पीस लिया है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, तो सभी चीज़ों को साथ में पीस लिया है। और यहाँ पर है लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, और ये जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। और नमक मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिया है, तो नमक मैं जब डालूँगी तो दिखाऊँगी आपको, बता दूँगी। तो हरी मिर्ची भी मैंने ऐड की है, इसलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से लिया है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला और हींग ली है, ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, उसके बाद मैंने हींग और गरम मसाला ऐड कर दिया है। हींग और गरम मसाले से ही हम छौंक रहे हैं इस सब्जी को। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर वाला पेस्ट है उसको हम डाल देंगे। तो ढककर डालें, नहीं तो ऑयल के छींटे जो है हमारे ऊपर आ सकते हैं, तो इसको बड़े ही केयरफुली डालें आप लोग, क्योंकि ऑयल गर्म होता है ना तो छींटे ऊपर ही आते हैं। और साथ में ही हम ये पाउडर मसाले हैं इनको भी डाल देंगे,
और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को, और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है हमें। तो इसको ढककर और जल्दी से भुन जाएगा, ढक दिया है मैंने ढककर, ये जल्दी से भुन जाएगा और तेल के छींटे भी नहीं आएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मसाला हमारा भुनने लगा है और साइड में मैंने पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, कि तो मैं उसमें बॉयल पानी डालूंगी। तो मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। उसके बाद मैंने ये जो पकौड़ियाँ हैं ना लौकी वाली, ये कोफ्ते, इनको हमने फ्राई करके रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले में इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक मिनट के लिए इनको मसाले के साथ भून लेंगे। और साइड में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था, जैसे कि मैंने अभी बताया है। तो पानी इसमें हम बॉयल पानी डालेंगे, तो बॉयल किया हुआ पानी हम इसमें डाल देंगे। तो पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी पतली रखनी है तो ज़्यादा पानी डालें, और ग्रेवी थिक रखनी है तो पानी कम डालें। लेकिन इसमें क्या होगा, पानी थोड़ा हम पतला ही रखेंगे इसको, क्योंकि ये जो पकौड़ियाँ हैं ना ये पानी को सोख करती हैं, तो इस वजह से थोड़ा इसको पतला रखेंगे। क्योंकि जब ये रहेगा थोड़ी देर ठंडा होगा तो ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाएगी। तो इसमें मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया, उसके बाद एक बॉयल लगा दी। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हैं। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो ज़रूर डालें आप, मेरे पास नहीं था इस टाइम, तो हरा धनिया ज़रूर डालें। गरम मसाला मैंने डाल दिया है, मिक्स कर देंगे इसको, 2 मिनट ढक कर रख देंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे कोफ्ते हमारे, लौकी के कोफ्ते बनकर रेडी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही यम्मी यम्मी लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।